good morning class am i audible yes sir good morning yes, yes, good morning so this is your electronics and instrumentation class i think you know right so yes, yes sir. am i clearly audible yes sir, yes, sir. okay fine yes sir uh, so basically i am from electronics department I do not know whether you know me or not, but uh, right now, uh, until any faculty come, uh, till then I will take this class. So, have you got the syllabus? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No.

सो यू आर ऑल रेगुलर स्टूडेंट ओके फाइन नो इशू सो मेकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट में ये क्लास है दैट मीनस ये सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातचीत करना हम करेंगे एंड हम स्क्रीन को हम शेयर कर रहे हैं, देखो ये शेयर हो रहा है या नहीं देख पा रहे हो Yes, yes sir, sir. Yes, okay. sir. So, yes sir so so this is the google classroom code okay which i made for you uh, so note it down or you can take the screenshot uh, through this code you can join this classroom and definitely you share with your friends so that Uh, जो लोग अभी नहीं है यहाँ पे वो लोग भी ज्वाइन कर सके ओके सो इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। कोड दिख रहा है ना स्क्रीन सर। ओके एंड आई थिंक यू यू कैन ज्वाइन विद दिस कोड। मतलब कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा वो और हम नहीं बोल रहे है गूगल क्लासरूम का एप डाउनलोड करोगे या वेबसाइट में जाओगे तो ज्वाइन क्लास करके ये कोड दे दोगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलोगे हाँ अभी आते अटेंडेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो जितना दिन से कॉलेज में हो तो अटेंडेंस इज वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके नहीं तो मिड सेमिस्टर में प्रॉब्लम होता है आई थिंक यू नो तो अटेंडेंस रखोगे एंड जो अटेंडेंस कैसे दोगे जो बॉक्स है ठीक है ना बॉक्स पे अपना अपना नाम एंड रोल uh, नंबर का लास्ट दो डिजिट देने से ही हो जाएगा क्योंकि नेम किसी किसी का सेम रह जाता है इसलिए नेम से आइडेंटिफाई नहीं होता है नेम यूनिवर्सिटी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसका लास्ट दो डिजिट या चार डिजिट तुम लोग लिख सकते हो एंड ब्रैकेट पे या अंडरस्कोर देखे तुम्हारा डिपार्टमेंट मेंशन करोगे क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हम सिविल और मैकेनिकल बोथ डिपार्टमेंट का एक ही साथ हम क्लास लेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है जितना दिन तक ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो बार बार रिपीट करने के वजह एक ही क्लास में लेने से हाँ, बोलो आवाज क्लियर नहीं है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है यही तो मेन एम आई कनेक्टेड अभी ठीक ठाक सुनाई दे रहा है यस सर ओके बीच-बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज रहता है तो इसको तो कुछ इग्नोर नहीं किया जा सकता है सो हाउएवर सो जहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे कि अटेंडेंस जस्ट कैसे तुम लोग बनाओगे क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है इसका रिकॉर्ड रह जाता है अटेंडेंस कौन कौन क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है तो इसीलिए बाद में इसके ऊपर कुछ एक्शंस हो या इसीलिए अटेंडेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है रैदर आई डू नॉट बिलीव कि अटेंडेंस ही सब कुछ है कॉन्सेप्ट या नॉलेज इज द एवरीथिंग बट फिर भी जो सिस्टम है जो नियम है उसी के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है तो आ, कैसे तुम लोग अटेंडेंस बनाओगे सपोज यहाँ पे रंजन कुमार एमी लिखा हुआ है ओके सो so, सभी कोई मतलब चैट बॉक्स में अपना अपना जब भी कोई तुम लोग लॉग इन करोगे क्योंकि हर दिन हम ये चीज नहीं बोलेंगे आ, तो रंजन कुमार सपोज तो तुम लोग लिखोगे रंजन कुमार टू थ्री टू थ्री मीन्स मान लो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ फोर डिजिट डिजिट या सिक्स का एक नंबर है तो उसका लास्ट दो डिजिट मेंशन करोगे दो डिजिट या चार डिजिट जिससे कि हम तुम लोग का रोल नंबर आइडेंटिफाई कर सके एंड ब्रैकेट पे लिख दोगे कौन सा डिपार्टमेंट से तुम हो सीई और एम क्लियर हो गया तो सभी को अभी अटेंडेंस दे दो अभी तक एक भी अटेंडेंस नहीं आ रहा चैट बॉक्स पे लिखो अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट दो डिजिट लिखने से भी हो जाएगा एंड कौन सा डिपार्टमेंट से तुम हो ओके फाइन सो करमो कुंभकर सी ओके तो इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा सो so, uh, जैसा कि मेरा बात हुआ है हम तो ऑलरेडी मैकेनिकल uh, का फोर्थ सेमेस्टर ग्रुप में ज्वाइन हो चुका हूं Uh, तो उधर से ही हम कम्युनिकेट करेंगे एंड सिविल डिपार्टमेंट का आई थिंक अमन सो अमन इज योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव राइट यस सर ओके सो सो हम अमन को ही लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे और जो भी कुछ मेरा इंफॉर्मेशन रहेगा तो uh, मतलब अर्जेंट बेसिस पे तो हम अमन के साथ शेयर करेंगे आई थिंक ही कैन कम्युनिकेट विथ यू एंड बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वो गूगल क्लास से भी तुम लोगों को मिल जाएगा ठीक है दैट गूगल डायरेक्ट मैसेज मेरे को मत करो क्योंकि चैट जब हम सेव करेंगे ठीक है तो ओवरऑल चैट चैट सेव तो डायरेक्ट मैसेज मिस हो जाएगा दीपक कुमार तुम डिरेक्ट uh, मैसेज कर रहे हो डायरेक्ट मैसेज मत करो क्योंकि चैट जब हम सेव करेंगे डायरेक्ट मैसेज वाला सेव नहीं होगा या अलग विंडो में हो जाएगा तो कॉमन प्लेटफॉर्म में जब

Uh, तो ग्यारह बजे से वो स्टार्ट है uh, तो उसमें भी जाना होगा तुम लोगों को ओके सो फर्स्ट टेल मी वन लेट जो लोग लेट करके ज्वाइन कर रहे हो हम फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं जो गूगल क्लासरूम का मेरा जो कोड है तुम लोग नोट कर सकते हो uh, इस कोड से ज्वाइन हो जाओगे ठीक है मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के लिए सेमी कोर्ट रहेगा अलग अलग हम क्लासरूम नहीं बना रहे बट रैदर जितना दिन हो रहा है शुरू करते हैं इससे तो इस क्लासरूम में जब ज्वाइन हो जाओगे आई थिंक बहुत सारा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो भी गया है सो so, गुड <coughs> तो इसमें ऑलरेडी हम सिलेबस पोस्ट कर दिए ठीक है सिलेबस आई थिंक तुम लोगों के पास होगा अगर जिन लोग हमको बोले हो कि नहीं है तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर, गूगल क्लासरूम में तुम लोग का सिलेबस पोस्ट है नाउ टेल मी वन थिंग ठीक है दिख रहा है तो नाउ टेल मी वन थिंग दैट ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट

टाइम नहीं था अभी जो है थोड़ा सा आ, फैकल्टी आ, के कमी के वजह से मतलब आ, हम ये क्लास ले रहे हैं ठीक है सो so, क्योंकि बहुत सारा असाइनमेंट्स वगैरह या टास्क वर्क रहता है जिसके कारण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम मतलब मेंटेन करना आ, सो किसी का कोई आइडिया है कि ये जो पेपर है ये किस लिए तुम लोग का ब्रांच में रखा गया है पहले ये सब्जेक्ट नहीं होता था सिविल मैकेनिकल या प्रोडक्शन कोई भी सेमिस्टर uh, में जब तुम लोग का पहले तो इस कॉलेज में विनो हबे यूनिवर्सिटी चलता था ना यू आर इन द दूटी तो उस विनो हबे यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल पेपर नहीं रहता था एक्सपेक्ट वन पेपर दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है तो तुम लोग का आई थिंक फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लोग पढ़े हो सिविल एंड मैकेनिकल बहुत आ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कौन लिए थे तुम लोगों का कौन सा में था? नॉट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक राइट सो बेसिक इलेक्ट्रिकल तुम लोगों का पढ़ाई हुआ था ठीक है सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले वीबीयू यूनिवर्सिटी में लिया जाता था सेकेंड सेमेस्टर में जो कि अभी जीओटी यूनिवर्सिटी इसको ओमिट किया है जीओटी यूनिवर्सिटी में इसको नहीं दिया गया है रादर उसके जगह पे जो है ये तुम लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में ये मेजरमेंट बोल के एक पेपर सॉरी इंस्ट्रूमेंट करके एक पेपर दिया गया है ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अगर बात करेंगे तो ये जो सिलेबस ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहां पे इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन uh, का पार्ट बहुत ही कम दिया गया है ठीक है मान के चलो है ही नहीं तो ये जो पेपर है बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सी है क्लियर हुआ मतलब ये जो सब्जेक्ट तुम लोगों का दिया गया है एक ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यू जिसके साथ थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन का भी लास्ट में एकदम ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट मींस फोर्थ मॉड्यूल ठीक है फोर्थ मॉड्यूल में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हुआ है रेदर बाकी जो फर्स्ट वन टू थ्री एंड फाइव जो मॉड्यूल है इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन का उतना ज्यादा पार्ट नहीं है रेदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो ये पेपर का नाम है ये एक ब्रांच का भी नाम है तुम लोग को शायद पता होगा आई थिंक यहाँ पे उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है झारखंड में बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ठीक है मतलब ई आई ई इस ब्रांच का नाम है तो मेरा डिपार्टमेंट मतलब हम इससे बी टेक नहीं किए हुए हैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ वर्स्ट एरिया तो उस एरिया से सिर्फ केवल छोटा छोटा कुछ डेफिनेशन एंड कुछ टॉपिक्स तुम लोगों को इसमें दिया गया है बहुत ही ईजी है ज़्यादा कुछ टफ नहीं है नाउ माई क्वेश्चन इज तुम लोग इसको सब्जेक्ट तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इसको क्यों रखा गया है बेसिक इलेक्ट्रिकल भी क्यों रखा जाता था मतलब तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसका क्या इंपॉर्टेंस है कैन एनी वन टेल मी कि ये जो मैकेनिकल कोई बोल सकता हो सर हम लोग तो सिविल डिपार्टमेंट से है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हम लोग सर्वेइंग पढ़ना चाहते हैं फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं देन uh, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ समझ में नहीं आया तो किसी का कुछ आइडिया बोलो शेयर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सही गलत हो तो बाद में देखा जाएगा सर में आई श्योर सर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑटोमेशन and in automation sector electronics are a very crucial part and if you don't have knowledge of electronics how you will impose in your sector that automation part okay uh, good your answer you are talking in a point any any other बोलना चाहते हो बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किए कुछ पढ़ाए भी नहीं जस्ट आस्किंग तुम लोग का क्या फील होता है हम बोलो सर सर सिविल में उतना इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है क्या इसका आंसर हम दे रहे हैं पहले हम जो पूछे हैं उसका बोलो कि ठीक है हम समझ गए तो देखो सिविल में और कोई भी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट में ठीक है, है ध्यान से समझना तुम लोग अभी जो प्रेजेंट एरा चल रहा है ना मतलब अभी जो टेक्नोलॉजिकल जो पैटर्न में तुम लोग हो डेफिनेटली मान लो सिविल डिपार्टमेंट लेके तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा माइंड पे हमेशा यही रहेगा कि हम आ, कुछ डिजाइनिंग करेंगे हम ऑटो कैट सीखेंगे है ना मतलब आ, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड होना चाहिए लेकिन आजकल के जमाने में इंजीनियरिंग एक ऐसा लेवल पे रीच कर गया है ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट इस तरह से कुछ होता ही नहीं हाँ डेफिनेटली तुम उसी लाइन पे ही काम करोगे लेकिन यू हैव टू बी गुड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू हैव टू बी गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यू हैव टू बी गुड इन मैथमेटिक्स सभी कुछ मिला के प्रोडक्टिव नॉलेज देखा जाता है हाँ डेफिनेटली उसमें तुम्हारा सिविल का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा चाहिए लेकिन साइड में जो पहले वाला स्टूडेंट जो आंसर किया था इज एब्सोल्युटली राइट कि आज के जो जमाने है इसमें सपोज मान लो तुम सिविल इंजीनियरिंग करके कोई एक कंपनी में काम कर रहे हो ठीक है उसमें तुम्हारा जितना भी मशीन्स वगैरह आएगा ना अभी हम तो उतना मतलब सिविल का इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड हमको नाम नहीं पता है तुम लोग अगर बात नहीं कर रहे हो तो म्यूट कर दोगे ठीक है क्योंकि साइड नॉइस होता है Sound, uh, can you unmute uh, yourself? Okay, fine. Now it is okay. ओके uh, सो okay. so, uh, हम जो बातचीत करना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का मोटिव हम लोग का समझना चाहिए इंटेंशन समझना चाहिए क्यों दिया गया है तभी तुम लोग का इंटरेस्ट आएगा नहीं तो नॉन डिपार्टमेंटल पेपर है बोलोगे कि सर पढ़ के क्या होगा तो मेन बात है सपोज मान लो एक तुम लोग सिविल का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या मैकेनिकल का कुछ भी आ, एक तुम लोग को एक मेजरमेंट का टूल्स आ गया ठीक है सपोज मान लो एक बिल्डिंग के बीच एक बिल्डिंग से एक फील्ड तुम उसके लेजर बीम से उसको मेजरमेंट करोगे अभी तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें पहले जो हम लोग वो फीता से या सो टेप से मेजरमेंट करते थे अभी वो जमाना नहीं है ठीक है इसमें अभी तुम लोग के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी रहेगा जिसके थ्रू तुम बाई डिजिट डिजिटल डिवाइस के थ्रू तुम उस रीडिंग को एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू से मेजर कर सकते हो तो अभी जो ये जो नया नया जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहा है या फिर तुमको कुछ प्रोग्रामिंग करके टूल्स बनाना पड़ेगा या फिर ऑटोमेशन जो बातचीत हुआ है दिस इज वेरी करेक्ट कि तुम कोई भी uh, सॉफ्ट मतलब कोई भी इंडस्ट्री uh, में चले जाओ उसमें तुमको अभी मशीन पे दैट मींस कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा ठीक है इसका दो फायदा है इसमें तो एक्यूरेट रिजल्ट भी आएगा एंड सबसे ज्यादा है कि तुम टाइम सेव कर पाओगे ठीक है एंड डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कंप्यूटर में तुम जितना एग्जीक्यूट uh, कर पाओगे बाई पेन एंड पेपर तो उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे तो इसीलिए ये जो uh, मतलब अभी आजकल का जो जमाना है इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट चाहिए एंड जो सिलेबस तुम लोग देखे थे उसमें फिर से हम एक बार शेयर करते हैं सिलेबस uh, ओके सो आई थिंक इट इज विजिबल सो इसमें देखो सेकंड uh, मॉड्यूल पे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस किया है पीएन जंक्शन डायोड किया है ट्रांजिस्टर किया है रेक्टिफायर किया है बीजेटी किया है फर्स्ट वाला मॉड्यूल देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी दिया हुआ है है ना 7805 7809 एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स किया है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिकल नॉलेज आजकल के जमाने में होना चाहिए Because, आ, तुम अभी जितना भी गैजेट्स यूज़ करते हो है ना तुम्हारे पास एंड्रॉयड डिवाइस है तुम्हारे पास अभी तो बहुत सारा चीज आ गया है स्मार्ट वॉच आ गया है तुम्हारा घर पे जो तुम फैन यूज करोगे देखो फैन जो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फैन अभी जो तुम लोग यूज करते हो अभी अभी जो शायद नॉर्मल फैन यूज करते हो लेकिन अभी मार्केट पे बहुत सारा ऐसा फैन आ गया है जो कि तुम मोबाइल के थ्रू या फिर तुम्हारा वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू बोल सकते हो कि स्पीड अप द फैन और आ, पुट ऑफ योर लाइट तुम्हारा वॉइस से वो काम करेगा तुमको जाके उठ के स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो न, देखे हो इस तरह का कोई यूज करते हो तुम लोग घर पे सर अभी तो इंडिया में नहीं आया होगा ना ये सब चीज नहीं नहीं इंडिया में आ गया है टीवी पे अगर देखोगे मैच फैच देखोगे तो धोनी का एड आता है इसके एकदम आ गया है इंडिया में आ गया है so, why, 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 वाले, यस यस वायरलेस के थ्रू होता है तो अभी इंडिया में आ गया है हो सकता है अभी हम लोग का यहाँ पे उतना ज्यादा मतलब इसका यूज नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे एक साल दो साल के अंदर देखोगे वही चीज आ जाएगा हर एक जगह पे क्योंकि हम लोग कॉम्फोर्ट चाहते है तो आसानी से मोबाइल के थ्रू अगर ऑपरेट कर पाओगे इट इज काइंड ऑफ अ होम ऑटोमेशन ठीक है दैट मींस तुम्हारा जो डिवाइस है तुम मान लो बाहर हो ठीक है ऐसा भी अभी आ गया है ये सब ये न्यू नहीं है तुम मान लो तुम घर में जाओगे तो घर पहुंचने से आधा घंटा पहले तुम तुम्हारा मोबाइल से तुम्हारा घर का जो एसी है उसको ऑन कर दिए ठीक है ना तो वो क्या हो जाएगा एसी थोड़ा सा रूम को कूलिंग करने में 20 मिनट 25 मिनट टाइम लगता है तो वो पहले पच्चीस होके रखेगा तो ये जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन दैट देखो एक फैन, एक फैन मैकेनिकल डिवाइस है ना एक एसी उसको अगर खोल के तुम करो करोगे बोलोगे कैसे इसका फंडामेंटल काम कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस लेकिन अभी जो प्रेजेंट सोसाइटी है हर एक चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तुम्हारे पास अगर आईओ का कंसेप्ट नहीं रहेगा इफ़ यू डू नॉट नो वॉट इज क्लाउड कंप्यूटिंग तो फिर एक कंपनी में जाके तुम्हारा वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहेगा अ गुड इंजीनियर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड ठीक है ऑल द फील्ड मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बहुत एक्सपर्ट बन जाओ इट इज नॉट पॉसिबल एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दुनिया भर का 100 सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट expert, एक्सपर्टाइज हो जाए इट इज नॉट पॉसिबल बट कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट उनको अगर रहेगा तो फिर डेफिनेटली वो जाके कुछ अच्छा कर सकता है एंड देखो मॉड्यूल फोर में जो इंस्ट्रूमेंट्स दिया गया है इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब अंदर जो आता है एल वी डी टी देन हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप में बात करेंगे तो सी आर ओ मल्टीमीटर है ना एक मान लो मशीन है उसके अंदर मशीन को तुम रन कर रहे हो डेफिनेटली इट विल वर्क इन समी एसी करेंट तो उसका कितना मतलब वोल्टेज चाहिए उसका उसको अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा करंट दे दोगे तो फिर हो सकता है वो आ, बस्ट कर जाए या फिर मेल फंक्शन शुरू कर दे तो इसके लिए क्यों ऐसा बिहेव होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक रेंज होता है उसके अंदर ही वो काम कर सकता है तो इसके लिए ये जो करेंट ये वोल्टेज ये सब का भी कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है ठीक है ना तो एक ओवरऑल बेसिक आइडिया तुम लोगों को देने के लिए ही ये सही सब्जेक्ट रखा गया है एंड डेफिनेटली ये जो हर एक मशीन मैकेनिकल मतलब इट इज नथिंग बट द डीलिंग ऑफ द मशीन्स राइट सो कोई भी मशीन तुम काम करोगे तो उसमें तुमको कुछ ना कुछ फंडामेंटल रहेगा दैट मीन्स तुम

है ना तो आजकल के जमाने में ये जो थोड़ा सा वर्सेटाइलिटी दिया किया जा रहा है इट इज गुड इट इज रिक्वायरमेंट है एंड uh, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से कुछ सीखने का कोशिश करो ज्यादा टफ तुम लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि बेसिक ही रखा गया है डेफिनेशन वगैरह क्या क्या चीज है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन uh, उसका मतलब ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं होगा ठीक है तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट गदर करने का कोशिश करोगे एंड सिविल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का उस तरह से तो हम नहीं बोलेंगे कि इसका इंपोर्टेंस है सपोज मान लो एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सपोज एक सेमीकंडक्टर डिवाइस सपोज माइक्रो प्रोसेसर ठीक है ये सब जानने का तो जरूरत नहीं है लेकिन एक ओवरऑल फंडामेंटल चीज जानना जरूरी पड़ता है जैसा कि मान लो तुम लोग शायद क्लास 11 12 में भी जिन लोगों का कंप्यूटर था किए हुए होंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन, है ना तो ये सब किए होगा भी क्योंकि यू कैनॉट इग्नोर द इलेक्ट्रॉनिक्स नॉवेटेस तुम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जिंदा हो ठीक है सो थोड़ा बहुत क्या है क्या नहीं है इट इज वेरी वेरी बेसिक अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है वो काफी आगे जा चुका है हम लोगों से मतलब हम लोग जो स्टडी करते हैं 20 साल 25 साल पुराना सब चीज सभी ब्रांचों में लेकिन आजकल का जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है वो काफी आगे चला गया है तो एक ह्यूज गैप मतलब हम लोग देखते हैं कि हर एक टॉपिक्स में है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया एक मिलेगा ठीक है एक मल्टीमीटर मान लो किसी को मल्टीमीटर चलाना ही नहीं आता है तो तुम लोग एक मशीन ऑपरेट कर रहे हो कोई भी एक डिवाइस ऑपरेट कर रहे हो उसमें उसका कितना रीडिंग हो रहा है वो अगर मेजर नहीं कर पाओगे तो कैसा क्या क्या होगा है ना एक ट्रांजिस्टर एक डायोड एक फेट uh, एक मोसफेट एक डिवाइस के अंदर यही सब रहता है एक ट्रांसफॉर्मर uh, तो तुमको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा देन हाउ कैन यू हैंडल द डिवाइस ठीक है कोई भी एक मान लो चीज खराब हो गया तुम्हारा एक मशीन के अंदर तो तुमको उसके उस, वो चीज तुम्हारा नॉलेज ही नहीं रहेगा तो तुम सोचो तुम एक इंजीनियर बनोगे तो एक इंजीनियर और एक ग्रुप डी स्टाफ में क्या डिफरेंस रहेगा है ना अगर मशीन को सिर्फ स्विच ऑफ स्विच ऑन ही करना है वो एक ग्रुप डी स्टाफ भी कर सकता है तो तुम एक ग्रेजुएट इंजीनियर हो डेफिनेटली तुमको कुछ आइडिया होना चाहिए वो मशीन का वर्किंग कैसे हो रहा है अंदर में कैसे कैसे फंक्शन है एंड जो फर्स्ट जो स्टूडेंट ने बताया कि ऑटोमेशन कि हर एक जगह पे जो है अभी ऑटोमेशन आ चुक आ रहा है या और भी ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या होता है सपोज तुम एक मशीन मतलब सिस्टम कोई भी एक कंपनी में जा रहा चाहे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आज के आज के डेट में ठीक है सपोज मान लो तुम एक मिल्क फैक्ट्री में जा रहे हो ठीक है एक जगह पे मिल्क आके डंप किया जा रहा है डिफरेंट जगह से uh, जो कि जो तो वो डेफिनेटली बाई ही पॉसिबल है लेकिन उसके बाद से एक पैकेटिंग जो तुम्हारा को 500 हंड्रेड uh, जो तुमको एक पाउच मिलता है सारा का सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड है ठीक है मिल्क से सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क एक जगह से दूसरा जगह पे जाएगा फिर वो एक पैकेट में जाके ऑटोमेटिकली उसको सील किया जाएगा फिर वो पैकेट के ऊपर प्रिंटिंग ये जो सारा प्रोसेस है सारा प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है तो ये जो टोटल प्रोग्रामिंग है है ना ये हो सकता है पीएलसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है ये हो सकता है कोई माइक्रो कंट्रोलर कोई अलग टूल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है देन यू हैव टू बी मतलब अगर तुम उस लेवल तक जाना चाहते हो तो तुमको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा सपोज तुमको लगेगा नहीं फाइव हंड्रेड एम के जगह हम एक लीटर का पाउच पैकेट बनाएंगे तो कैसे करोगे तुमको तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सिस्टम समझ में आया तो इसीलिए जो आ, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तुम सोचो ना तुम लोग का भी शायद आ, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस का कोई एक कंप्यूटर नॉलेज में I आई mean, मीन सी या फिर जाभा ये सब पढ़ाई हुआ है हुआ है ना yes, sir. Yes, sir. हाँ Please. तो वो क्यों पढ़ाई होता है वो तो तुम लोग का ब्रांच सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए पढ़ाई होता है ताकि तुमको जाके आगे जाके हो ही सकता है तुमको कोई एक प्रोग्रामिंग करना पड़े ठीक है तो उसमें अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग एंड इट इज मतलब हम सभी को बोलते हैं चाहे तुम कोई भी अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में हो तुम्हारा डिपार्टमेंट जो भी हो ये पास डिपार्टमेंट हम लोगों का कॉलेज में चलता है लेकिन ये छोड़ के भी और भी डिपार्टमेंट रहता है फूड डिपार्टमेंट पावर पावर डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियरिंग माइनिंग्स बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है चाहे तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ भी हो प्रोग्रामिंग नॉलेज थोड़ा सा आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है मतलब वर्किंग फील्ड में जा, जाने के बाद क्योंकि तुमको करना ही पड़ेगा छोटा मोटा हो सकता है अलग कुछ लैंग्वेज पे सपोज मान लो तुम जावा सीखे हो लेकिन तुमको पाइथन के ऊपर काम करना पड़ रहा है या फिर ओराकल के ऊपर काम करना पड़ रहा है लेकिन इफ यू हैव द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ठीक है दो नंबर को ऐड कैसे किया जाता है एक फाइव थ्री फोर नंबर को कैसे उल्टा किया जाएगा फोर थ्री फाइव ये कंसेप्ट ये अगर तुमको आता है इसका फंडामेंटल दैट मीन इसका मैथमेटिक्स तुमको अगर आता है यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज कोड मतलब प्लेटफॉर्म चेंज हो जाने के साथ साथ दैट मीन्स उसमें क्या सिर्फ सिंटेक्स का चेंजिंग हो रहा है उसका कुछ अलग सोर्स है इसका कुछ अलग सोर्स कोड है लेकिन जो बेसिक उसके पीछे जो नॉलेज है वो सेम रहता है ठीक है इसीलिए जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सभी को सीखना बहुत ही जरूरी है एंड मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए तो और भी ज्यादा क्योंकि तुम लोग कंपनी में जाओगे डिफरेंट सपोज मान लो एक एक मशीन से कोई भी जगह पे मान लो अः बालू एंड सीमेंट्स को मिक्सिंग किया जा रहा है ठीक है तो फिर क्या होगा उसमें जगह पे सपोज मान लो तुम उस रेशियो को चेंज करना चाहोगे तुमको प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़े तो कैसे करोगे फिर तुम अगर प्रोग्रामिंग का भी हाथी नहीं दिए हो तो फिर कर पाओगे समझ रहे हो बात तो अगर तुम एक अच्छा तुम्हारा बैकग्राउंड या अच्छा स्किल बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली ये सब नॉलेज को रखना ही पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा ये ऑल्टर मतलब देखोगे सरा... तुम लोग सिविल एंड हाँ बोलो बोलो सर क्या बोले सीमेंट और मिक्सर ये बोला थोड़ा सा सीमेंट और मिक्सर हाँ हम बोले यही कि सपोज मान लो तो तुमको हाँ। सीमेंट और बालू सपोज वन इंस टू थ्री रेशियो में मिक्सिंग करना पड़ रहा है तो अभी ऐसा एक सिचुएशन हो गया जिसके वजह से ये तो डिपेंड करता है कौन सा सॉयल मतलब सॉयल एनालिसिस के बाद कि तुम्हारा ईटा जो है उस रेशियो में या फिर तुम्हारा तुम कितना स्ट्रेंथ चाहते हो उस उस हाथ में है ना तुम मान लो एक yes, एक फील्ड एक के पास एक दीवार खड़ा करोगे तो उसका स्ट्रेंथ एंड तुम तो तो तुम तो तुम अच्छा जो तुम्हारा रास्ता के साइड में जो दीवार है वो उतना सीमेंट का बालू का रेशियो उतना ज्यादा में मतलब आई थिंक उतना स्ट्रेंथफुल भी नहीं होने से भी चलेगा मेरा काम क्योंकि वो एक साल बाद हो सकता है टूट तोड़ दिया जाएगा है ना तो तुमको इस में हम यही बोलना चाह रहे हैं कि चेंज मतलब चेंज तो हो ही सकता है तुम एक एक, एक एरिया में गए हो एक प्लॉट में गए हो उस जगह पे देख रहे हो कि कुछ बालू एंड सीमेंट मिला के काम हो रहा है तुम एक अच्छा इंजीनियर हो तुम जाके देखो कि नहीं इस जगह पे ये गलत हो रहा है इसमें सीमेंट थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा तो उस प्रोग्रामिंग को तो चेंज करना पड़ेगा उस टोटल जो मशीनरी पे जो काम हो रहा है क्योंकि अभी सभी कुछ ऑटोमेशन ऑटोमेटिक होता है अभी और बाय हैंड नहीं होता है तुमको फिजिकल लेबर बहुत कम ही मिलेगा ऐसा लेबर मिलेगा जो कि सीमेंट और बालू को एक मशीन के बॉक्स में डाल देगा बस वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा तो उसका जो प्रोग्रामिंग रहेगा उसको तो चेंज करना पड़ेगा है ना तो इसीलिए तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए चाहे वो जो भी चाहे एक मेडिकल स्टूडेंट जिसको उतना इंजीनियरिंग नहीं ज़रूरत पड़ेगा लेकिन फिर भी एक मेडिकल स्टूडेंट को भी प्रोग्रामिंग क्योंकि इस प्रोग्रामिंग के वजह से बहुत हेल्प मिलता है एंड And... डेफिनेटली इफ यू बिलीव मी तुम अगर अच्छा से कोई भी एक नॉलेज में पकड़ रखोगे चाहे कोई भी कोई भी uh, uh, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म हो चाहे जावा, चाहे पाइथन, चाहे ओराकेल uh, चाहे एसक्यूल कोई भी प्लेटफॉर्म में तुम अगर एक्सपर्ट बनते हो इट विल गिव यू द एक्स्ट्रा एडवांटेज तुमको जॉब पाने में भी इसमें हेल्प होगा बेसिकली सिविल मैकेनिकल में ऑटो कैड स्ट्रैट प्रो ये सब सॉफ्टवेयर में काम होता है लेकिन उसमें भी क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग ही करते हैं बेसिकली हर एक का पैटर्न अलग-अलग है वी कैन से लाइक दिस हर एक का पैटर्न अलग-अलग ठीक है।, है तो इस तरह से आ, ये सब्जेक्ट्स को रखा गया है सो आई थिंक टाइम आप हो तो गया से, है से, तो, से, तो नेक्स्ट जो क्लास है उस उस क्लास में हम लोग ज्वाइन करेंगे और सीधा जो है इस फर्स्ट मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टिल देन तुम लोग इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड अगर तुम लोग के पास बुक्स नहीं है तो हम एक ई e बुक्स मेरे पास अवेलेबल है तो वो हम गूगल क्लासरूम में शेयर करेंगे थ्रू दैट यू कैन डाउनलोड द ई बुक ओके सो नेक्स्ट जो देखोगे कब टाइमिंग है उसमें हम लोग मिलते आई थिंक द क्लास टाइमिंग इज ओवर नाउ ओके सो थैंक यू thank you sir thank you sir thank you, sir thank you, sir. Thanks, sir okay thank you sir okay sir